अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 7 मैथ की आपकी बुक है मेकिंग मैथ इजी और ग्रेड है इसका 7 यानी बुक नंबर 7 है। यूनिट नंबर बेटा 13 शुरू करना है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एक्सरसाइज है 13.1 और इसका पेज नंबर है 177। स्टूडेंट एक्सरसाइज है 13.1, यूनिट का नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग 13.1 और क्वेश्चन नंबर है बेटा 1। सवाल है इन आ स्कूल द डेली पॉकेट मनी ऑफ अ स्टूडेंट्स ऑफ रुपीज ऑफ क्लास 7। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एक बार दिखा दूँ। ये क्वेश्चन है इन अ स्कूल द डेली पॉकेट मनी ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। रीड द टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। स्टूडेंट ये एक टेबल यहाँ पर दिया हुआ है और इसके नीचे ना चंद क्वेश्चन है। अब टेबल क्या है, पॉकेट मनी इन रुपीज, आगे 16 है, फिर 20 है, 21 है, फिर 25 है। इसका डिफरेंस देखें जी, तकरीबन 5 का डिफरेंस होता है, 16, 17, 18, 19, 20। तो बेटा ये 5 का, फिर आगे देखें 21, 22, 23, 24, 25। तो ये 5-5 का डिफरेंस आ रहा है। अब वो कहते हैं कि ये जो टैली मार्क है यानी इसमें 3 हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी में 3 हैं, ये 3 कर लेंगे गलती से, उन्होंने 4 लगा लिया लाइंस, ये 3 लाइंस है। ठीक है, ये बुक पे करेक्शन कर लीजिएगा, 3 लाइंस है तो 3 लिखना, उसके बाद यहाँ पे 4 लाइन है तो 4 लिखेंगे। अच्छा, जब 5 लाइंस बनाएंगे ना, 1, 2, 3, 4 और 5 को इस तरह कर देंगे, तो 5 लाइन, 5 को आपने ऊपर लाइन लगा देनी है, 5वीं लाइन, फिर 6, तो ये 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 है, फिर 1, 2, 3 ये 3 है। इस तरह स्टूडेंट्स अब ये है, व्हाट इज द लोअर लिस्ट ऑफ 5 क्लास इंटरवल, लोअर लिस्ट ऑफ 5 क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने लोअर को देखना है 5 क्लास इंटरवल में क्या है। फिफ्थ लाइन में देखें 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 लाइन में इन दोनों में से छोटा जो है वो कौन सा, ये तो सबसे बड़ा है। अब 37 इससे बड़ा है, 38 फिर बड़ा है, 9 बड़ा है, 39 बड़ा, फिर एंड पे 40, तो ये सबसे छोटा ना 36, तो इसका पहली लाइन का आंसर है 36। जी स्टूडेंट, व्हाट इज द अपर लिस्ट ऑफ 7th क्लास इंटरवल, तो 7th क्लास इंटरवल की जो अपर लिस्ट है उसमें ये क्या चीज़ आएगी, 50 यानी 50 आएगा 7th लाइन में सबसे बड़ा, ये 7th वाली लाइन। अब 46 इससे बड़ा, 47 फिर 48, 49, 50 सबसे बड़ा है, तो 50 इसमें आएगा। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट्स, तो क्लास 7 के जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो टोटल कितनी है, तो इनको टोटल करें, इनको प्लस कर लें। ठीक है स्टूडेंट, अब प्लस कर लें,
और इसमें 3 प्लस करेंगे ये बन गया 30, 6 प्लस करें 36, 4 प्लस करें तो ये इसका टोटल हो गया 40। टोटल इसका कितना आ रहा है, 40। तो बेटा इसका 40 आंसर आ गया। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द ईच क्लास, हर क्लास का जो फ्रीक्वेंसी साइज है वो क्या है, यानी इसमें सबसे बड़ा जो टोटल साइज होगा वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में देख लें तो 12 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अब इस तरह हिंट यहाँ पे दिया हुआ है, वो है साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिक्स क्लास, तो सिक्स क्लास की यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कहलाएगी, सिक्स क्लास की फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12। तो बेटा इसका भी आंसर 12। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा इसको इसका 5 आता है ना, हर एक क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है तकरीबन 5, यहाँ पे 5 लिखना था, साइज ऑफ क्लास में 5 लिखें फिर एंड पे 12 आएगा, ये ठीक हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो बुक पे सॉल्व होना है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन आफ्टर वेटिंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। आगे इसके अमाउंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो हिंट क्या दिया हुआ है कि मेक क्लासेस 20 से 25, 26 से फिर 31, इस तरह आपने इनकी फ्रीक्वेंसी भी बनानी है। अब जो फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए सबसे पहले जो आपने काम करना है ये स्टूडेंट वो पहले देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 तो बुक पे ही हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन पहले जो था वो, यानी हमने इसकी अमाउंट जो है वो लिखनी है, 37, 23 अब पहले पता है हम क्या करते हैं, इसकी ना तरतीब इस तरह लगा देते हैं कि इस लाइन को 30 की लगा देते हैं या 20 की, सबसे पहले छोटी की यहाँ पे लाइन लगाते हैं, यहाँ से चले इसी तरह लगाते हैं 27, 31, 36 37, 23, 27, 31, 36, 31, 29,
40 21 ये वो अमाउंट है जो इसके अंदर आनी है, ठीक है। अब 33 32 29 27 23 30 35 31 35 28 29 22 38 27 36 37 41 28 फिर 28 31 34 33 37 40 24 21 33 32 26 और लास्ट में 34। जब आपने ये अमाउंट्स लिखनी उसके बाद इसका अब सॉल्यूशन में आएगी चीज़। मैक्सिमम एम आई लिख करना, ये पूरे लिखने। मिनिमम ऑब्जर्वेशन तो बेटा ये है 21, छोटे से छोटा इसमें जो है वो 21 है, और मैक्सिमम जो है बड़े से बड़ा। मैक्सिमम यानी बड़े से बड़ी जो अमाउंट है वो है 41। अब इनकी क्लासेस आपने जो है वो डिफाइन करनी है।
सबसे पहले आपने यहाँ पे चीज़ें ऐड कर लें। क्लासेस और ग्रुप वो इसमें आएंगी, फिर टेलीमार्क रेंडेबल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें इस तरह बेटा इसका बन जाएगा आपके पास, यानी इसमें अब आप क्या चीज़ें इंक्लूड होगी है, क्लासेस ग्रुप है, टेलीमार्क है और फ्रीक्वेंसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने लिखना है हाँ जी, हम 20 से ना, क्योंकि हिंट में आपको चीज़ें ये दी गई थी कि 20 से लेकर 25 तक, जी 20 से 25 तक। अब यहाँ पे हम गिनते हैं, 20 को ढूंढे इस लाइन में नहीं है, 20 से बड़ा क्या है। अब 20 से बड़ा होना चाहिए और 25 तक होना चाहिए, ये 21, ये 23, इसी तरह इस लाइन में 21 और 23, ये 20 और 25 के दरमियान में आ रहे हैं। आगे यहाँ इस लाइन में चले जाएं, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आ रही इनमें, फिर ये 22 आ रहा है, इनके सेंटर में आना चाहिए था और कोई अमाउंट नहीं, 20 और 25 के दरमियान रख में आपने ढूंढनी है। फिर ये 21 आ गया, 1 2 3, ये 4 अमाउंट बनी है ढूंढे और मजीद अगर कोई निकल सकती हो तो। ये 23 आ गया, 5 हो गया, ये 24, 6 हो गई। अब बेटा मज़ीद कोई भी अमाउंट नहीं आ रही। अब टोटल आपने ये देखें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रकमें जो आपने अभी देखी हैं ये आपकी 20 और 25 के दरमियान आ रही है। अब देखें 1 2 3 4 5 को इस तरह लाइन बना देनी है, ये ग्रुप बन गया 5 का, फिर ये 1 6 6 पर अभी आप गए थे, इधर 6 लिख दें। नेक्स्ट आपकी फ्रीक्वेंसी है 26 से लेकर 31 तक, जी 26 से लेकर 31 तक। अब 26 से 31 के दरमियान अब आप देख लें, 26 27 28 29 30 31, ये 29 आ गया, ये 27 आ गया, ये 31 आ गया, ये फिर 29 27 आ गया,
ये 30 आ गया, ये 31 आ गया, 28 आ गया, 29 आ गया, 27 आ गया, 28, 28, 31 आ गया, 28, 31 आ गया, ये आ गया। अब इनको गिन लेते हैं दोबारा, फिर देख लें 26 और 31, 26 और 31 के दरमियान, 26, 27, 28, 29, 30, 31 यहाँ तक, 26, 27, 28, ये देख लें, जी बेटा अब इनको गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। दोबारा देखते हैं यहाँ पे कोई, ये एक और है 15, तो ये 15 बनते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 और 5, 10 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 15 हो गए, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 आ गई। अब बेटा आपने 32 से लेकर 37 के दरमियान देख लिया, यानी 32 से लेकर 37 के दरमियान, देखिए अब 32 और 37 लिख लें, ये 37, 36, 35, 33, 32, 35, 35, 36, 37, 34, 33, 37, 33, 32 और 34। अब इनके अमाउंट्स का आपने गिन लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और बेटा इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई 15। अब 38 से लेकर आपने 43 तक, 38 से लेकर 43 तक, हाँ जी 38 से 43 तक देखते हैं बेटा, यहाँ पे 38 से ये भी हो गए हुए हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा ये 40 का एक आया, इस लाइन में कोई नहीं है, इस लाइन में 38 आ गया, अब यहाँ पे 41 आ गया और यहाँ पे 40, बट ये चार ही थे, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई 4। इस तरह ये आपका कंप्लीट हो गया टेबल। स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर
थ्री के हम अमाउंट से लिखने लगे हैं। अब आपको समझ आ गई इसी मेथड से आपने मज़ीद क्वेश्चन करने लगे। क्वेश्चन नंबर थ्री के अमाउंट्स में अब ग्रुपिंग बना के हम तेज़ी से यहाँ से काम कर लेंगे, ठीक है। इसके भी बेटा थ्री आपने खाने बना लेने हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थ्री में मैक्सिमम पहले सॉल्यूशन है, अब इसमें बेटा मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो है मिनिमम ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन से लिखना। तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन इसमें 5 है और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन वो भी लिखना है। ऑब्जर्वेशन वो 67 है। मिनिमम ऑब्जर्वेशन 5 और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 67 है। बेटा 1 से लेकर 10 तक जो है ना, यहाँ पे पहले हम क्लासेस ग्रुप है, उसके बाद टैली मार्क है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इसको हम एफ से शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जो पहली आपने चीज़ यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है ना, वो 1 से लेकर 10 तक है, यानी 1 से लेकर 10 तक जो ग्रुप है ना उसमें क्या क्या आएगा। जी बेटा यहाँ से हम ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 3 है, अब यहाँ से हम फिर फाइंड करते हैं यानी 1 से लेकर 10 तक, इसमें देखेंगे 1 से 10 तक क्या आता है। 1 से 10 तक देख लें,
43, 34 है, इस तरह चलते जाएँ चलते जाएँ। वन ये सिर्फ एक आता है, फाइव सिर्फ क्या आता है, फाइव, यानी वन से टेन के दरमियान में जो चीज़ आ रही है वो सिर्फ एक ही टैली मार्क आता है, जिसे हम फाइव कहते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स अब 11 से 20 के दरमियान क्या आता है, यानी 11 से 20 के दरमियान। अब यहाँ पे क्वेश्चन लगते हैं, अब 11 से 20 के दरमियान हम चेक करते हैं कि क्या आता है। इलेवन से ट्वेंटी एक 14 आ रहा है, यानी ये एक हो गया, दो यानी 14, 17, 13 तीन ये चीज़ें आ गई 11 से 20 के दौरान, तीन के बाद 4, 5 जी स्टूडेंट, जी स्टूडेंट आगे अब इसके बाद यहाँ से 5 निकले हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा जो पहली सीक्वेंस है ये गलती लग गई, इसकी जगह आपने 1 ही लिख देना है। डियर स्टूडेंट अब यहाँ से 1 इसकी फ्रीक्वेंसी थी तो 1 लिखा, इसी तरह 5 थी तो 5 लिखा, ये ज़रा करेक्शन कर लें, ये गलती हो गई थी। अच्छा जी मज़ीद आपने अब 21 से 30 के दरमियान, ठीक है, 21 से 30 के दरमियान देखना, आगे 21 से 30 के दरमियान देखें, 21 से 24 2 को जहन में रखें ना, 24 यानी ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, इस तरह 5, 6, 7, 8 ये 8 आए हैं 21 से लेकर 30 के दौरान, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, जी बेटा अब हम 31 से लेकर 40 तक इसको देखेंगे, 31 से 40 तक इसी के अंदर देखेंगे, 30 को जहन में रखें, 3 को यहाँ से स्टार्ट में, 34, 36, 35, 37 अच्छा 40 तक जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये 14 के बाद 15
जी 15 आते हैं यहाँ पर। वन टू थ्री फोर फाइव। तो बेटा 15 इसकी लाइनें आ गई, ठीक है। इस तरह 41 से लेकर 50 तक अब देख लें। फोर को देन में रखेंगे, 44 एक हो गया, दो तीन चार, यानी 4 इसकी आ गई। 4 के बाद 5 6, सॉरी ये नहीं आता, ये कहाँ तक आता है, 41 से 50 तक। हाँ जी ये 6 आ गई यहाँ से, अच्छा जी 1 1 के बाद इसको आपने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बेटा 11 तक ये इसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और ये 1, ये 11 तक आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये 11 तक आ गई। अब जी लास्ट में जो यानी अभी दो चीज़ें रहती हैं जी, अब 51 से 60 तक, 51 से 60 तक 5 को देन में रखें, यहाँ से 5 से स्टार्ट करें, 51 से 60 तक। ये अकेला 5 है, इसको नहीं, जो डबल अमाउंट है 5 वाली, पहले 5 आता है 5, यानी 51 से 60 तक। एक दो तीन चार पाँच छ सात जी 7 इसमें अमाउंट आ रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा ये 7 अमाउंट्स इसमें आ गई। अब 61 से 70 तक, 61 से 70 तक 6 को अपने माइंड में रख लें, 61 से 70 तक यहाँ पे आपने देखना। जी 61 से 70 तक करना है, 61 से 70 तक, तो एक दो तीन यही अमाउंट इसमें आती है, 1 2 3, और बेटा ये 3 यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह ये इसका आपने फ्रीक्वेंसी बना लिया। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें ये चीज़ देखें, क्वेश्चन नंबर जो 4 है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिटेल्स ऑफ एज इन ईयर्स ऑफ
patients admitted in a hospital during a week are given below. Average the data in frequency distribution table, taking 10 as the size of a class. As the size of a class interval, आगे बेटा ये 15, 1, 2, 26 ये इसकी अमाउंट दी हुई है, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लास इंटरवल का जो टेबल बनाना है, अब इसमें क्लासेस ग्रुप लिखने, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम ऑब्जर्वेशन, ये दोनों चीज़ें लिखनी है। मिनिमम ऑब्जर्वेशन कम से कम जो ऑब्जर्वेशन है वो 1 है, अब मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा बेटा जो ऑब्जर्वेशन है वो 49 है। यहाँ पे क्लासेस ग्रुप पहले लिख लेते हैं, क्लासेस ग्रुप्स आ गए, उसके बाद टैली मार्क प्री फ्रीक्वेंसी, जिसको आप F से शो करते हैं। अब टेबल इसमें से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे छोटी अमाउंट है वो 1 कहलाएगी, और 1 से यहाँ से स्टार्ट करना है। ये तलाश आप करेंगे 1 से लेकर 10 का ग्रुप को। ये 1 आ गया, 2 आ गया, दो चीज़ें आ गई, आगे भी यहाँ पे देखते जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जी। ग्रुप का जो ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक है वो 7 आपका आ गया। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक 7 आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे 7 लिख लें। अब स्टूडेंट देखें, ग्रुप नंबर 11 से लेकर 20 तक, 11 से 20 इसमें तलाश कर लें। ये 15 आ गया इसमें,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अच्छा जी, एक इलेवन से ट्वेंटी तक आपने करना। एक आ गया यहाँ पे, इसके बाद आगे मज़ीद तलाश करें। दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद फिर 17 आता है, ये 6 नंबर पे आ गया। 6 के बाद 7 8 9 10 11, ये तकरीबन 12 बनने चाहिए। एक दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद 6 7 8 9 9 10 11 12। ये 12 ये ग्रुप्स बन गया, यानी 11 से लेकर 20 तक। 11 से लेकर 20 तक आपके ग्रुप बन गए 12। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, तो बेटा ये 12 ग्रुप बन गए। इसी तरह आप 21 से लेकर 30 तक, 21 से 30 तक, ट्वेंटी वन से 30 तक, एक दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद 6 सात आठ ये नौ, नौ ये ग्रुप बन, नौ होने चाहिए, ठीक है जी। अब आपके 21 से 30 तक 9 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब ये 9 में आ गया। अब बेटा 31 से लेकर 40 तक, 31 से लेकर 40 तक, 31 ये इसमें तलाश करनी है। 31 से 40 तक जो ग्रुपिंग है उसको तलाश करेंगे। थर्टी वन से 40 तक एक दो, ये एक आ गया, दो ये तीन आ गया, चार आ गया, पाँच छ सात आठ नौ दस हाँ जी, यहाँ से ग्रुपिंग देखेंगे। 31 से 40 के दरमियान कौन सी अमाउंट आती हैं? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ये नहीं इसमें आती, 11 आती है। अब यहाँ पे लिख लें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक, ये 11 आ गई। अब स्टूडेंट 41 से लेकर 50 तक, 41 से लेकर 50 तक आपने ये तलाश करनी।
जी 41 से 50 तक आपने तलाश करनी है यहाँ पे, 41 से 50 तक ये देखें, 49 इसमें आ गया, 1 2 एक आ गया, दो आ गया, ये तीन। अब थ्री अमाउंट्स आती हैं 41 से 50 तक, 1 2 3। तो इस तरह बेटा 3 आ गया। तो ये इसकी आपने क्लासेस का ग्रुप भी कर लिया, टैली मार्क्स का भी कर लिया, और फ्रीक्वेंसी भी इसमें लिख दी। तो इस तरह आपने फिर बुक से तलाश कर करके या क्वेश्चन पेपर से जिस तरह क्वेश्चन आएगा तो ये आपने लिखना है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आ शॉपकीपर चेक्स द वेट ऑफ 40 एप्पल्स इन द शॉप इन ग्राम्स, 104 110 72। तो इस तरह ये इनके अमाउंट यानी ग्राम्स बताई जा रही है। अगर रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन अ रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल, यूज क्लास इंटरवल 50 से लेकर 60 तक, फिर 60 से 70 तक। इस तरह ये इनके ग्रुप बना के अपने चलना है, ठीक है जी। सबसे पहले इसका टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट इस तरह इसकी लाइनिंग लगा के आपने इसका टेबल जो है वो बनाना है, जिसमें क्लास ग्रुप्स आएंगे, फिर टैली मार्क आएगा और एंड पर फ्रीक्वेंसी आएगा। ये इसका टेबल यहाँ पे हमने तैयार कर लिया। इसमें इस तरह आपने इसके बना के फिर इस पर चीज़ें लिखनी है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में पहले मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो है वो मिनिमम 50 है और मैक्सिमम जो है वो 130 है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी मिनिमम ऑब्जर्वेशन लिख लें, MINI, ठीक है, मम MUM, मिनिमम ऑब्जर्वेशन
वो बेटा 50 है। और जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है ना वो 130 है। अब यहाँ पे क्लासेस और ग्रुप, टैली मार्क है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आपने एफ से शो करना है, ठीक है जी। अब इसमें एप्पल्स के बारे में जो चीज़ें इंक्लूड हैं बेटा वो देख लें। अब शॉपकीपर ने चेक किया वेट ऑफ अ 40 एप्पल इन द 40 एप्पल इन हिज शॉप इन ग्राम्स, तो ग्राम्स में उसने वेट बेटा चेक कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वेट जो है वो पहला था 50 से 60 तक, ठीक है। वो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो है वो 50 है, तो 50 को अपने जहन में रख लें, 50 से लेकर 60 तक ये ऑब्जर्वेशन थी। अब इधर देखेंगे 50 से लेकर 60 के दरमियान अमाउंट, ये क्या है 104 110, ये तो इसमें नहीं आएगी, 72 भी नहीं आएगी, आपको 50 से 60 यानी 50 से 60 के दरमियान चाहिए। तो बेटा उनको अब देखेंगे, 50 और 60 के दरमियान देखें, ये 50 आ गई यानी एक आराम से आपने इसमें चेक करनी है 50 और 60 के दरमियान, अभी आपको एक ही मिली है और ये दो, एक 50 मिली है और एक आपको यानी एक 50 मिली है और एक 56 मिली है, यानी एक 50 और एक 56 मिली है, 50 और एक 56 मिली, ये दो ही आपको यहाँ पर मिली है, ठीक है जी। तो इस तरह इन क्वेश्चन में तलाश करना है। टैली मार्क आपका आ गया 2 और इसमें फ्रीक्वेंसी में आपने लिख देना है 2। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम ढूंढेंगे 60 से 70 के दरमियान, ठीक है जी, यानी 60 से 70 के दरमियान, आपने 60 के से 70 के दरमियान ढूंढना। अब 60 के 70 के दरमियान आपने ढूंढना है,
एक हो गया, दो ऊपर से देखें तीन, ठीक है जी, यानी 65, 67 और 63, ये तीन अमाउंट्स आपकी आ रही हैं। मज़ीद और भी आ सकते हैं, मुझे ज़रा चेक कर लें गेन यहाँ से 60 से लेकर 70 तक, एक आई 65, दो आई 3, 4, 5, 6, तो स्टूडेंट इस तरह 6 अमाउंट सकती हैं। तो 6 अमाउंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको 6 लिख रहे हैं जी। बेटा अब 70 से लेकर 80 तक आपने इसमें अमाउंट चेक करनी है, यानी 70 से लेकर 80 तक, जी बेटा आप 70 से 80 की तक एक आ गई, नहीं ये नहीं आएगी इसमें, 70 से 80 तक ये 72 आ गई, एक आ गई, 72 के बाद फिर 72 यानी दो आ गई, तीन आ गई, जी बेटा इधर 3 बस आती हैं, यानी 1, 2, 3 अमाउंट्स आ गए। स्टूडेंट अब 80 से लेकर 90 तक, यानी 80 से लेकर 90 तक ये आपने इसमें तलाश करना पकड़ लें। अब इसमें देखें 80 से लेकर 90 तक, अब 80 से 90 तक यानी 80 से 90 तक एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, बेटा इस तरह इसमें 6 आपकी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इधर 6 लिख दें जी। बेटा इस तरह 90 से 100 तक, यानी 90 से लेकर 100 तक इसको आपने तलाश करना है, 90 से लेकर 100 तक तलाश करें। यहाँ से 90 से लेकर 100 तक 95 आ गया, एक ये अमाउंट आ गई, फिर 94 दूसरी आ गई, 92 तीसरी आ गई, 93 चौथी आ गई, फिर इसके बाद 94 पाँचवीं आ गई, फिर 97 छवीं आ गई, छठी के बाद 96 सातवीं आ गई, यानी बेटा इसमें 7 आ रही हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन अमाउंट्स हैं जी। स्टूडेंट अब
100 से लेकर 110 तक, ये अब आपने तलाश करनी है 100 से लेकर 110 तक। हंड्रेड से 110 तक इसमें देख लें, 104 पहली आ गई, 110 दूसरी आ गई, 110 तीसरी आ गई, 108 चौथी आ गई, 101 पांचवी आ गई, 105 सिक्स वाली आ गई, 102 सेवन वाली आ गई, 104 110 दो के बाद 107 तीन, 110 चार, 108 पाँच, 101 छः हो गई, 105 सात हो गई, और इसी तरह 102 आठ हो गई। तो बेटा इसमें ये 8 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आपकी आ गई, सही है। अब स्टूडेंट्स 110 वाली से लेकर 120 वहाँ तक देख लें, वन हंड्रेड टेन वाली एक आ गई, 14 वाली ये दो हो गई, 120 वाली तीन हो गई, 110 वाली एक, 14 वाली दो, 120 वाली तीन, 11 और मजीद कोई नहीं, यहाँ से नहीं करी। तो तीन ही यहाँ पे आएंगे, यानी 1 2 3, तो बेटा इधर हम 3 लिख देते हैं। अब 120 से लेकर 130 तक ये बेटा तलाश करनी है, 120 से 130 तक, 120 से 21 तक, 20 से 30 तक, 20 से 30 तक एक हो गई, दो हो गई, 125 एक हो गई, 124 दो हो गई, अच्छा जी 123 हो गई, 123 चार हो गई, 130 पाँच हो गई। तो स्टूडेंट इस तरह 1 2 3 4 5 और ये आपका 5 का ग्रुप आ गया, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जी क्वेश्चन नंबर 6 है, आ पोल्ट्री फार्म प्रोड्यूस 30 चिकन्स इन अ वीक, देयर वेट्स इन किलोग्राम आर नोटेड बिलो। अब ये अमाउंट्स हैं 0.5, 1.72, फिर 2.3, 1.25, तो यहाँ से सो ऑन ये चलती जाती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल विद 5 क्लास इंटरवल, हिंट्स इसमें दी हुई है, मेक क्लासेस 0.5 से लेके 1.1 तक, उसके बाद 1.2 से लेके 1.8 तक, तो थ्रो आउट ये क्लासेस इनमें दी हुई है। इसमें पहले मिनिमम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे फिर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। मिनिमम ऑब्जर्वेशन का मीन के ये छोटी से छोटी जो अमाउंट है वो लिखी जाएगी। वो है 0.5। अब मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है 3.5। बेटा इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, जी बेटा अब इसमें चीज़ें इंक्लूड करने, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासेस ग्रुप, क्लासेस ग्रुप्स, फिर टैली मार्क, टैली मार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी, अब इसमें इसके अमाउंट लिख लें, ये स्टूडेंट अब इस तरह इनकी पहली अमाउंट 0.5, 1.1 तक है, 1.2, 1.8 तक है, इसी तरह 1.9, ये 2.5 तक है,
2.6 या 3.2 तक है और 3.3 ये 3.9 तक है। इसकी टोटल अमाउंट पहले कि हमने यहाँ पे जो निकाली है उसमें 0.5 जो है वो 3 मार्क टैली मार्क निकले हैं, ठीक है जी। अब 1.2 से लेके 1.8 तक जो है ना वो 7 निकले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1.9 से लेके 2.5 इसकी आपने कोशिश खुद करनी है, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 1, यानी ये 11 आपके आ जाएंगे, ये 11 आ जाएंगे। तो ये आपके 11 आ गए। इसी तरह बेटा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो ये 6 आ गए, और इसी तरह 1, 2, 3 और ये 3 आ गए। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो गया। ये वाली एक्सरसाइज जो थी 13.1 एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।